गाइज, टेक्नो कैमोन कंपनी ने अपना टेक्नो कैमोन 12 एयर लॉन्च कर दिया है और आज की वीडियो में हम इसका करने वाले कंपैरिजन रियलमी 5 के साथ, क्योंकि दोनों फोन्स का प्राइस लगभग सेम है 10,000। दोनों फोन का आपको 664 वाला वेरिएंट 10,000 की कीमत में मिल जाएगा। अगर हम सबसे पहले बात करें दोनों फोन्स के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 12 एयर में 6.55 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले मिलती है, वहीं पर Realme 5 में आपको 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर Realme 5 की डिस्प्ले साइज थोड़ा सा कम है कंपैरिजन टू 12 एयर से। वहीं पर दोनों फोन्स में हमें IPS पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों फोन्स की पिक्सल डेंसिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन साइज का फर्क है, तो यहाँ पर 12 एयर आगे निकल जाता है कंपैरिजन टू Realme 5 से। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की, तो 12 एयर में हमें मीडिया टेक का हीलियो P22 देखने को मिलता है, वहीं पर Realme 5 में हमें स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है जो कि 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है। परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 655 काफ़ी पावरफुल है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का मुकाबला नहीं किया जा सकता। दोनों फ़ोन में आपको 2 GHz का प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले दोनों फ़ोन्स के ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर हमें 12 एयर में पावर VRGA 8320 देखने को मिलते हैं, वहीं पर Realme 5 में आपको एंड्रीनो 610 देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में अगर आप एक गेमिंग लवर हो तो आपके लिए Realme 5 बेस्ट फ़ोन होने वाला है, आपके लिए 12 एयर फोन बेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमरास की, तो यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर हम बात कर ले 12 एयर की, तो इसमें हमें बैक में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 16+5+2 मेगापिक्सल का बैक रियर कैमरा देखने को मिलता है। साथ में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। वहीं पर फ्रंट में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पर Realme 5 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको क्वाड रियर कैमरा बैक में देखने को मिलता है, साथ में ही आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि 48+8+2+2 मेगापिक्सल का बैक रियर कैमरा। वहीं पर फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाटर ड्रॉप नोच कैमरा देखने को मिल जाता है। नो डाउट कैमरे के मामले में Realme 5 काफ़ी आगे निकल जाता है कंपेरिजन टू 12 एयर से। वहीं पर अगर हम बात कर ले दोनों फोन्स की बैटरी की, तो यहाँ पर भी Realme 5 काफ़ी आगे है कंपैरिजन टू 12 एयर से। यहाँ पर आपको Realme 5 में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पर 12 एयर में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों फोन्स में बस एक ही कमी है कि दोनों फोन्स में आपको 10 वाट का नॉर्मल चार्जर मिलता है, तो अगर आप दोनों फोन्स को चार्ज करेंगे तो आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।